नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। राज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, भारत में ही सस्ती चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराए निजी संस्थान। शाहपुर आईटीआई में खुलेगा ड्रोन प्रशिक्षण के लिए पहला फ्लाइंग स्कूल। 11 कार्यों के लिए होगा उपयोग। सीएम भुट्टल बोली, पंजाब में कांग्रेस व आपका गठबंधन संभव, आपने किया खारिज। सातवें चरण का प्रचार थमा, अमित शाह का दावा, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, खारकीव से सभी भारतीय निकाले गए, अब सारा ध्यान सुमी में फंसे 700 छात्रों पर। नारायण राणे से पूछताछ पर बवाल, नवाब मलिक के इस्तीफे पर पवार का पलटवार। लाइट वैक्सीन को मिल सकती है तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति, सरकारी पैनल ने की सिफारिश। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण गुरेज घाटी में फंसे 230 लोग किए गए एयरलिफ्ट। एमएलए कोर्ट में माफिया अतीक अहमद को बड़ा झटका, 3 केस में जमानत अर्जी खारिज। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन का हुआ सफल परीक्षण, सटीक जगह लगाया निशाना। चुनाव में निर्वाचन आयोग से नाराज कांग्रेस, करोड़ों के भुगतान से जुड़े इस मामले को लेकर एससी जाने की चुनौती। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सलाह, विदेश मंत्रालय ने कहा सावधानी बरते, बेवजह का जोखिम न उठाए। स्तर पर जारी है ऑपरेशन गंगा, 183 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची विशेष फ्लाइट। जदयू में तनातनी पर आरसीपी ने मुंह खोला, नीतीश कुमार और ललन सिंह के बारे में कही बड़ी बात। सीबीआई ने रोहतास ग्रुप के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, लखनऊ में 9 करोड़ रुपए की बैंक ठगी का मामला। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सभा में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक समाजवादी पार्टी में शामिल। कोविशील्ड लगने के बावजूद नहीं बनी एंटीबॉडी, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ और डब्ल्यूएचओ को नोटिस जारी। कानपुर देहात में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे पूर्व भाजयुमो उपाध्यक्ष की हत्या, भाजपाइयों का थाना घेर कर हंगामा। सड़क दुर्घटना में लखनऊ के सैरपुर इंस्पेक्टर की मौत, भिठोली क्रॉसिंग के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर।
बस्ती में खाकी जूनियर क्रच का हुआ लोकार्पण, महिला थाना परिसर में हुआ लोकार्पण। चंदौली में प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी पर हमला, केंद्रीय मंत्री ने की कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 22 फरवरी को हुई लूट का किया खुलासा। कानपुर देहात में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में वृद्ध आश्रम का औचक निरीक्षण, निरीक्षण सुलह अधिकारी ने जाना वृद्ध लोगों का हाल। मिर्जापुर में प्रचार के अंतिम दिन गर्जे अखिलेश यादव, बनारस की जनता का मिल रहा अपार समर्थन। सोनभद्र में सीआईएसएफ ने मनाया 53वां स्थापना दिवस, एनटीपीसी रिहंद में हुआ समारोह का आयोजन। चोरों के हौसले हुए बुलंद, बेखौफ चोरों ने दो घरों का को बनाया निशाना, नकदी समेत गहने लेकर हुए फरार। मऊ में खाकी की गुंडई आई सामने, ई रिक्शा चालक को दरोगा और ड्राइवर ने जमकर पीटा, साइड नहीं देने का आरोप लगाकर पीटा। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का यूजी पीजी प्रवेश संबंधी बड़ा फैसला, सभी केंद्रों पर लागू होगी नई व्यवस्था। अमित शाह और जेपी नड्डा ने भाजपा की शानदार सफलता का किया दावा, कहा 4 राज्यों में प्रचंड जीत के साथ बनाएंगे सरकार। यूक्रेन में दिखा भारत का दम, पाकिस्तानी छात्रों ने भी थामा तिरंगा, छात्रा ने बताया आंखों देखा हाल। बनारस संगीत घराने से पंडित छन्नूलाल मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया आशीर्वाद। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं है, हमारा कमिटमेंट। गोरखपुर में 5 स्थानों पर होगी 9 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना, विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम। अलीगढ़ में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, मंदिर में दूध पी रहे नंदी बाबा। अयोध्या में सुरक्षा में तैनात सिपाही का मिला शव, राम जन्मभूमि परिसर में तैनात था सिपाही, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा सीतापुर, सीतापुर में जमकर चली गोलियां और हथगोले। यूक्रेन से लौटे उत्तर प्रदेश के 5 बच्चे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की मुलाकात। दोही में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा का ध्यान केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में था। यूपी बिहार की सीमावर्ती गांव पर स्वास्थ्य विभाग की नजर, कालाजार बीमारी के उन्मूलन के लिए मुस्तैद से कदम उठाया जा रहा विभाग।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, कहा भ्रष्टाचार सिस्टम के लिए दीमक की तरह है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को मानना नोटिस, सहायक अध्यापिका भर्ती मामला। कुंडा में राजा भैया की चौतरफा घेराबंदी, बाबागंज के भी उम्मीदवार ने उठाए सवाल। मैं के सपा में जाने के बाद रीता बहुगुणा जोशी बोली, मैं भाजपा में थी और भाजपा में ही रहूंगी। रुड़की में भाकियों मावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा ऐलान, किसान चेतना यात्रा का किया ऐलान। भाजपुर में रेप के आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई, नाराज सपा नेता ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपुर में सत्यभूषण सिंगला के घर पहुंचे पूर्व सीएम, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विकासनगर में मतगणना के पहले प्रशासन अलर्ट, परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। राजपुर रोड पर विकासनगर के परिणाम आएंगे सबसे पहले, जिला प्रशासन ने 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारी की पूरी। उत्तराखंड में अब टिहरी समेत इन 5 जलाशयों में उतरेंगी सी प्लेन एसपीवी सार। सात मार्च को जन औषधि दिवस मनाएगी भाजपा, जेनेरिक दवाओं के उपयोग को लेकर जागरूक करेंगे कार्यकर्ता। ऐतिहासिक झंडा मेला की तैयारियां शुरू, 7 मार्च बैठक में मेले के कार्यक्रमों को दिया जाएगा अंतिम रूप। नजीबाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढा के पास ट्रक गड्ढे में गिरा, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर के 5 लोग थे सवार। गणना को लेकर कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों को भेजा पत्र, पार्टी मुख्यालय में 12 सदस्यीय कंट्रोल रूम स्थापित। हेलीकॉप्टर से मिलन पहुंचे मजदूर, चीन सीमा तक मनुष्यारी मिलन मार्ग सड़क निर्माण में जुटे। व्यापारियों ने किया अपर जिलाधिकारी का घेराव, अंडरग्राउंड बिजली सप्लाई के लिए लगाया गया फीडर बॉक्स हटाने की मांग। हरिद्वार के भगवानपुर के खेलपुर मार्ग पर कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग की टीम पहुंची मौके पर। राजभवन में महिला सशक्तिकरण पर शीघ्र होगा सिनेमार, प्रभावी कार्य योजनाओं को दिया जाएगा अंतिम रूप। गोली लगने से नैनीताल में राजस्थान के युवक की मौत, मामले में आया नया मोड़। रूस संबंधों पर पड़ेगा यूक्रेन संकट का असर, रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने दिया ये बयान। युद्ध के 11वें दिन रूस ने यूक्रेन पर हमले किए तेज, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी जारी।
उधर कोरिया के स्पाइस सैटेलाइट टेस्ट ने बढ़ाई कई देशों की धड़कनें, आने वाले दिनों में कर सकता है बड़ा धमाका। पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में 35% का इजाफा, बिलावल बोले पीएम इमरान की गलत नीतियों की बदौलत बढ़ा आतंकवाद। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद खतरनाक मोड़ पर पहुंचा रूस और यूक्रेन का युद्ध। राजनयिक पर हमले के बाद रूस ने बाल्टिक देशों से अपने दूतावासों की सुरक्षा मांगी। नो फ्लाई जोन लागू नहीं करने के नाटो के फैसले पर बरसे जेलेंस्की, वहीं पुतिन ने जताया ऐसी कोशिश पड़ेगी भारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले यहां किसी देश पर नहीं वरन विश्व शांति और समूचे यूरोप पर हमला है। क्यू पुलिस का दावा, रूसी हमले में 2 बच्चे समेत 7 लोगों की हुई मौत। पहली बार दुनिया के सामने आया तालिबान का गृह मंत्री हक्कानी, कहा महिलाएं जा सकेंगी काम पर और लड़कियां स्कूल। एनएससी फ्रॉड केस में चित्रा रामकृष्णा की जमानत अर्जी खारिज, तो सीबीआई कोर्ट का आदेश। एसी फ्रिज से लेकर कार तक हो जाएगी महंगी, मूडीज ने जताई ऐसी आशंका। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। वाहन मालिकों को झटका, अगले महीने से महंगा होगा गाड़ियों का बीमा। रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश में आया उछाल, बढ़कर 23.9 अरब डॉलर पहुंचा। यामाहा ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक स्कूटर, खत्म हो जाएगा पेट्रोल का खर्च। रेनॉल्ट की रेनॉल्ट क्विड कार पर मिल रही 82,000 का डिस्काउंट, कीमत सिर्फ 4,24,000 रुपए से शुरू। लावा X2 लो बजट स्मार्टफोन लॉन्च, इसकी दमदार बैटरी से 38 घंटे का टॉक टाइम मिलेगा, कीमत 6,999 रुपए से शुरू। पोटाश की कमी दूर करने का फॉर्मूला तैयार, सरकार ने बनाई पूरी रणनीति। गांव में पहुंचेगा टाटा मोटर्स का शोरूम, ग्रामीणों को होगा देश भर में 103 मोबाइल शोरूम किए जाएंगे तैनात। पूजा ने वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेली तूफानी पारी, स्नेह के साथ की शतकीय साझेदारी। मिताली राज ने रचा इतिहास, 6 महिला वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी। स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगाया पहला अर्धशतक।
शेन वॉन को स्पेशल ट्रिब्यूट देंगे भारतीय खिलाड़ी, कहा उनकी तरह ना कोई है ना कोई होगा। अजमतुल्लाह और हजरतुल्लाह का कमाल अफगानिस्तान के बांग्लादेश से सीरीज ड्रॉ कराई। मैच के दूसरे दिन मैदान में उतरने से पहले टीम इंडिया ने दी विराट को गॉड ऑफ ऑनर। रविंद्र जडेजा ने तोड़ दिया कपिल देव का रिकॉर्ड, टेस्ट में सातवें नंबर पर भारत के लिए खेली सबसे पहली पारी। मिताली राज और बिस्मा मारूफ ने भारत पाक मैच में एक दिन पहले की मुलाकात। यश दुबे ट्रिपल सेंचुरी से चूके मध्य प्रदेश को, केरल के खिलाफ भी मजबूत। रविचंद्रन अश्विन ने दिग्गज रिचर्ड डेहली को छोड़ा पीछे, कपिल देव और डेल स्ट्रेन ने रिकॉर्ड पर भी नजरें। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी की शूटिंग मार्च में होगी शुरू, 1.75 करोड़ रुपए से बना है सेट। मुंबई एयरपोर्ट पर रेड ड्रेस में स्पॉट हुई दीपिका पादुकोण, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बोला जोमैटो डिलीवरी वाला। जावेद अख्तर ने की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ, बोले मुझे पूरा भरोसा है कि यूक्रेन से सभी बच्चों की सुरक्षित घर वापसी लाया जाएगा। गंगूबाई काठियावाड़ी देखने के बाद राखी सावंत ने संजय लीला भंसाली की तारीफ की, कहा आपको पोस्टल आकर किस दूंगी। रनौत ने फिर साधा सलमान खान पर निशाना, कंटेस्टेंट की जमकर लगाई क्लास। विक्रांत सारा की गैसलाइट की शूटिंग आज से गुजरात में शुरू, इस फिल्म को पवन कृपलानी कर रहे हैं डायरेक्ट। बोनी कपूर ने बेटी जानवी के बर्थडे पर लिखा प्यारा नोट, बोले आपको चांद के पार ले जाएंगे। गौरी खान ने वीकेंड कुछ इस तरह किया सेलिब्रेट, मनीष मल्होत्रा और सीमा खान के साथ शेयर की सेल्फी। रानी चटर्जी का जुबनिया जलेबी का फर्स्ट लुक रिलीज, किलर दिखी एक्ट्रेस, होली पर मचाएंगी बवाल। शिल्पा शेट्टी नए शो सेप ऑफ यू में लेंगी सेलेब का फिटनेस टेस्ट, बताएंगी सितारे अपना सेहत करार। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।